है। मैं निहारिका जैन ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार, जावार के जैन परिवार को चेन्नई में गोली मारकर की हत्या। त्योहारों पर सुरक्षा को लेकर सीएलजी बैठक आयोजित। दीपावली के एक दिन पूर्व बाजार में लौटी रौनक। जिला पुलिस अधीक्षक ने बांटे मास्क की जानकारी। त्योहार स्पेशल रेल सेवा का संचालन शुरू। अजमेर मंडल पर पेंशन अदालत 15 दिसंबर को। कोविड गाइडलाइन में किया वेबिनार आयोजित। अब समाचार विस्तार से। जावर के जैन परिवार को चेन्नई में गोली मारकर की हत्या। मोहन देश प्रेमी की रिपोर्ट के अनुसार जावर निवासी का चेन्नई के साहूकारपेट में बुधवार शाम एक परिवार के 3 सदस्य मृत पाए गए, जिनके शरीर पर गोली लगी थी। पुलिस का संदेह था कि विवाद के कारण तीनों को उनके रिश्तेदारों ने गोली मार दी। सूत्रों के अनुसार मृतकों की पहचान जावर सिरोही के मूल निवासी 74 वर्षीय दलीचंद पुत्र हीराचंद जैन व उनकी पत्नी पुष्पाबाई 70 और उनके बेटे शीतल 45 के रूप में हुई है। उन्हें चेन्नई की एक पारिवारिक अदालत में तलाक का मुकदमा भी दायर किया। इस बीच जयवाला के परिवार के सदस्य ने शीतल के परिवार से समझौता करने की मांग की। त्योहारों पर सुरक्षा को लेकर सीएलजी बैठक आयोजित। नई अहमद की रिपोर्ट के अनुसार दीपावली पर्व को लेकर शहर थाना में गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना की अध्यक्षता में सीएलजी की बैठक हुई। इसमें पर्व पर कानून और व्यवस्था, सफाई बिजली व्यवस्था व आतिशबाजी के संदर्भ में चर्चा हुई। अधिकारियों ने जरूरी निर्देश दिए। जिला पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना ने कहा कि पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। आतिशबाजी पर प्रतिबंध है, ऐसे में न तो आतिशबाजी का सामान बेचे और न ही कोई आतिशबाजी करे। अगर ऐसा पाया गया तो चालान बनाया जाएगा। वहीं कोरोना के तहत सरकारी नियमों का पालन करने के लिए सभी को कहा गया। बैठक में आबू पर्वत डिप्टी प्रवीण सेन, शहर थाना अधिकारी ओम प्रकाश विश्नोई सहित सदस्य उपस्थित थे। गश्त का कार्यक्रम वो इसी संदर्भ में रखा गया था कि दीपावली के दौरान विशेष तौर पे ध्यान रखे। साथ ही साथ जो पटाखों पे सरकार ने बैन लगाया है लोगों की सुरक्षा को देखते हुए और ताकि हमारा पर्यावरण भी सही रहे, तो उसकी पालना भी बहुत ज़रूरी है। तो लोगों में एक जागरूकता के तौर पे मास्क का वितरण किया गया ताकि सभी लोग मास्क अनिवार्य रूप से पहने और इस कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। दीपावली के एक दिन पूर्व बाजार में लौटी रौनक। लाइक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल के रहते दीपावली पर्व पर आमजन ने अपने दिलों से कोरोना के डर को बाहर निकालते हुए बाजारों की ओर रुख कर दिया है। पर्व के 3 दिन पूर्व बाजारों में खरीदारी की भीड़ उमड़ पड़ी। शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने जमकर खरीदारी की। कोरोना के तहत सरकारी नियमों व महामारी के डर के कारण लोग सहमे हुए थे। बाजारों में रौनक नजर आ रही थी, लेकिन बुधवार को अचानक ही बाजारों में जमकर रौनक लौट आई। व्यापारियों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई, लेकिन बुधवार को बाजार में आई ग्राहकों की भीड़ देखकर व्यापारी वर्ग, दुकानदार, ठेला दुकानदार सहित अन्य के चेहरों पर खुशी आ गई। सभी अपनी अपनी दुकानों पर ग्राहकों में व्यस्त नजर आए। जिला पुलिस अधीक्षक ने बांटे मास्क दी जानकारी। लाइक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार दीपावली पर्व पर कोरोना महामारी के तहत जागरूकता के संदेश व बाजार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में पुलिस दल में शहर में पैदल मार्च किया गया। ग्रामीणों व ठेला संचालकों को मास्क बांटे, वही दुकानदारों को बाजार में अतिक्रमण नहीं करने के निर्देश दिए। दीपावली पर्व को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना ने आबू रोड शहर का पैदल निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था को जांच की। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की जांच के दौरान बाजार में बिना मास्क घूम रहे लोगों व बिना मास्क पहने दुकानदारी कर रहे दुकानदारों के चालान काटे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, अब वक्त है ब्रेक का। नवरात्रि एवं दीपावली पर विशेष छूट। जन समय दे रहा है नवरात्रि एवं दीपावली पर विज्ञापनों में भारी छूट। अब जन समय न्यूज चैनल पर आपके दुकान, प्रतिष्ठान एवं कार्यालयों के विज्ञापनों में गिरावट। नवरात्रि एवं दीपावली पर निजी संस्थान, प्रतिष्ठान, दुकानों का विज्ञापन दीजिए और करिए आकर्षित। तो जल्दी संपर्क करें, हमारे मोबाइल नंबर है 9587949393। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। त्योहार स्पेशल रेल सेवा का संचालन शुरू। लाइक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार रेल प्रशासन द्वारा पूजा व दीपावली त्योहारों में यात्रियों की सुविधा हेतु पोरबंदर मुजफ्फर पोरबंदर त्योहार स्पेशल रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है, जो कि पूर्णतः आरक्षित रहेगी। गाड़ी संख्या 9269 पोरबंदर मुजफ्फर त्योहार स्पेशल रेल सेवा दिनांक 13/11/2020 को पोरबंदर से 4:30 बजे रवाना होकर दिनांक 15/11/2020 को 6:10 बजे मुजफ्फर पहुंचेगी। इस गाड़ी का अजमेर स्टेशन पर आगमन
10:55 बजे तथा प्रस्थान 11:05 बजे होगा। आबू रोड स्टेशन पर इस गाड़ी का आगमन 4:50 पर और प्रस्थान 5 बजे होगा। इस गाड़ी के मार्ग में जामनगर, राजकोट, सुरेंद्र नगर, बीरमगांव, आमली रोड, पालनपुर, आबू रोड, मारवाड़ जंक्शन होते हुए स्टेशनों पर ठहराव रहेगा। इस रेल सेवा में सेकेंड एसी, थर्ड एसी, द्वितीय शयनयान व कुर्सीयान श्रेणी के डिब्बे होंगे। अजमेर मंडल पर पेंशन अदालत 15 दिसंबर को। लाइक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार रेलवे बोर्ड के निर्देश अनुसार हर वर्ष 15 जून और 15 दिसंबर को पेंशन अदालत का आयोजन किया जाता है। अतः हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अजमेर मंडल पर दिनांक 15 को पेंशन अदालत का आयोजन किया जाने हेतु मंडल रेल प्रबंधक नवीन कुमार परशुराम ने वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी हेमंत सुलानिया को निर्देश दिए हैं ताकि सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी व अधिकारियों की पेंशन संबंधित समस्याओं का निवारण किया जा सके। राजपत्रित व अराजपत्रित सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के लिए इस वर्ष अजमेर मंडल पर पेंशन अदालत मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में आयोजित की जाएगी। पेंशन अदालत में कोविड-19 के स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार व स्थानीय प्रशासन के निर्देश जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, सैनिटाइजर का उपयोग आदि का पूर्ण पालन किया जाना आवश्यक होगा। कोविड गाइडलाइन में किया वेबिनार आयोजित। लाइक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार चंद्रावल गुप्ता महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय आबू रोड में आयोजित ई संगोष्ठी विस्तार व्याख्यान का आयोजन किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 युवा पीढ़ी एवं उसका भविष्य की समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर, प्रौद्योगिकी का शिक्षा में उपयोग, व्यवसायिक शिक्षा का नवीन स्वरूप, भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नवीन और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण, शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था पर आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य ट्रस्टी हरीश गुप्ता, ट्रस्टी मीना गुप्ता, नीतू गुप्ता, ट्रस्ट सचिव मनीष जैन, प्राचार्य एवं समस्त स्टाफ सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में वेबिनार का सारांश मनीषा मिश्रा ने दिया एवं धन्यवाद ज्ञापित डॉक्टर प्रेमलता सैनी के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य ट्रस्टी, प्राचार्य एवं ट्रस्ट सचिव तथा अतिथिगण वेबिनार के आयोजन में सभी महाविद्यालय स्टाफ तकनीकी सहायक उपस्थित रहे। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज सिरोही शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय सिरोही।